बहरहाल यहाँ पर कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय है, यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन मनोज कुमार आपको दिखाएंगे कि अभी जो तैयारियां चल रही हैं हवन पूजन की। दरअसल ये गया शंकर शुक्ल जी का घर है और यहीं से इंदिरा गांधी भी जब चुनाव लड़ती थी 60 के दशक में या 70 के दशक में तो वो यहाँ पर आती थी। पहले पूजा पाठ यहाँ पर होता था और फिर उसके बाद में जो है यहाँ से पूजा पाठ करके नामांकन के लिए गांधी परिवार के तमाम सदस्य आगे बढ़ते थे। ये दशकों पुरानी प्रथा है, आज भी कायम है। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। हवन की तैयारी जो है पूरी है और रायबरेली में कम से कम मूड जो है वो उत्साह का है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है कि राहुल गांधी ने इस सीट को चुना, राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना, अमेठी को छोड़ दिया। क्या ऐसा लगा कि रायबरेली आ गए? रायबरेली से प्रधानमंत्री बनते हैं इसलिए चुने हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल निश्चित, प्रधानमंत्री बन के दिखाएंगे। और रायबरेली, वायनाड दोनों जगह से लड़ रहे हैं राहुल गांधी? दोनों जगह जीतेंगे, दोनों जगह जीतेंगे। जीत के बाद तो दुविधा हो जाएगी, दुविधा एक जगह कहीं भी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा भाई। कहाँ छोड़ेंगे? अभी तो उन्हीं का मामला है हम लोग। अब आप अमेठी में तो शायद मैं भी थोड़ा बहुत निराश हूँ, यहाँ तो आप लोग सब उत्साहित हैं कि राहुल जी जीतेंगे? वहाँ भी कंप्लीट है, अमेठी भी हम जीतेंगे। जो लड़ रहे हैं किशोरलाल शर्मा जी, वो इस परिवार के बहुत पुराने हुए हैं, हनुमान समझ लीजिए, जैसे राम के भक्त हनुमान थे उस तरीके के शर्मा जी हैं। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनावी मैदान में है? बीजेपी कह रही है अमेठी छोड़कर भाग गए। ये तो राहुल गांधी जी की लोकप्रियता है, वो वायनाड से लड़े या रायबरेली से या अमेठी की, देश की हर जनता की डिमांड है। राहुल गांधी कहीं से भी लड़ेंगे वो जीत के आएंगे। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा वो धर्मनगरी छोड़ के रायबरेली से चुनाव लड़ ले, तो फिर उनको पता चल जाएगा कितनी लहर और कितनी सुनामी है जो हर जालिम से टकराएगा। ऐसी आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा।